सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं दी न्यूज़ का है। तो गाइस, आज भी सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम अपने पहले अपडेट में बात करने वाले हैं टी सीरीज़ के ओनर भूषण कुमार और नोरा फतेही के बारे में। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नोरा फतेही और भूषण कुमार के बीच पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा है, और इसकी जानकारी एक बॉलीवुड मीडिया कवरेज उमेर संधू ने खुद ट्वीट कर कर दिया है। तो आइए चेक करते हैं क्या है उस ट्वीट में। सो गाइज, उमेर संधू ट्वीट करते हैं, ऑफिशियली कन्फर्म्ड #NoraFatehi इज हैविंग अफेयर विद टी सीरीज ओनर #BhushanKumar सिंस लास्ट 2 ईयर्स एंड हिज वाइफ ऑल्सो नो इट वेरी वेल, बट सी हैज़ नो प्रॉब्लम विथ ऑल दैट। पैसा सब कुछ है। और फिर इसी पर KRK उमर संधू को रिप्लाई देते हुए कहते हैं, यू शुड नॉट से सच थिंग अबाउट अ रेप्यूटेड पर्सन लाइक #BhushanKumar। तो गाइज, आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। सो गाइज, अगले अपडेट में हम बात करेंगे UK07 राइडर के बारे में। सो गाइज, हाल ही में उन्होंने अपने चैनल पर एक स्कैम से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी। सो गाइज, अब उसी शॉपकीपर ने जी UK07 के ऊपर उल्टा केस कर दिया है, और उनका कहना है कि उन्होंने जो स्कैम वाली वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल गलत है, और उस वीडियो के वजह से उनके शॉप पर कस्टमर नहीं जा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम वत्सल्य अवस्थी है, और उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके इसके बारे में बताया है। तो आइए चेक करते हैं वो वीडियो। यार मैं आपको दिखा सकता हूँ FIR जो हुई है, जिस FIR की मैंने बात करी उसकी कॉपीज मेरे पास आ गई हैं, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाता हूँ। और जो FIR में केस है वो तो धाराएं लगी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। पहला एक्ट है सेक्शन 406 406, सेकेंड एक्ट है 500 500, थर्ड एक्ट है 504 504, और फोर्थ एक्ट है 506 506। तो पहले एक्ट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, इट्स फॉर स्कैम, धोखाधड़ी का होता है शायद, जैसे कि मैं आप पे एक चीज भरोसे पे दे रहा हूँ उसके बाद आप मेरे को। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर्ड इंसान का एक बिगेस्ट कोलैब आने वाला है, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि टोनी कक्कड़ के साथ होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आज ट्रिगर्ड इंसान ने एक वीडियो पोस्ट किया, और उन्होंने उसमें बताया कि वो एक कोलैब वीडियो नहीं बल्कि एक रोस्ट वीडियो होने वाला है। तो आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में। सो गाइस, आपको तो पता ही है कि ट्विटर पर कल RIP ट्विटर जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहे थे, तो उसी पर रिएक्ट करते हुए एलोन मस्क ट्वीट करते हैं कि एंड वी जस्ट हिट अनदर ऑल हाई टाइम ट्विटर यूजर्स लॉल, लेट दैट सिंक इन। सो गाइस, अगले अपडेट में हम बात करेंगे बियर बाइकर सैमी के बारे में। सो गाइस, रिसेंटली कुछ लोग उन्हें स्कैमर बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसी ब्रांड से प्रमोशन के पैसे लिए थे और वीडियो नहीं बनाई थी। आज उसी स्कैम से रिलेटेड कुछ इंस्टेंट स्टोरी हमें देखने को मिली उसी ब्रांड के ओनर के थ्रू। तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी में। तो पहले स्टोरी में वो लिखते हैं, मैटर सारा क्लोज्ड हो गया, कॉल पे हमारी बात हुई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन था बियर बाइकर समी के साथ, सारे वीडियोज़ एंड फोटोज़ डाउन कर दो इंस्टा से, थैंक यू। जिंदगी में यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ ईमानदारी और मेहनत करके, मेरी जनता को मालूम है कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आज तक नहीं करूँगा। सो गाइज, एंड में हम बात करेंगे चाइना में हो रहे वायरल एक वीडियो के बारे में, जिस वीडियो में एक साथ कई सारी भेड़े एक सर्कल के शेप में एक साथ घूम रहे हैं, और वो भी पिछले 12 दिनों से। तो कैसे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।